सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री का अभी तक कोई भी सस्पेंस खुला नहीं है और अभी भी सस्पेंस पूरी तरीके से बरकरार है। जी हाँ, आत्महत्या या फिर मर्डर, अभी तक पूरी तरीके से किसी भी नतीजे पर सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ, एम्स के डॉक्टर ने जिस तरीके से खुलासा किया था उस पर के बावजूद भी अभी तक सीबीआई का कोई भी फाइनल एक्शन नहीं लिया गया है। काफ़ी लंबा अंतराल हो चुका है, काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, लेकिन ऐसे में जो खबर आ रही है अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई, काफ़ी सारे निगेटिविटी फैलाए गए और अभी भी एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से जो सारी वेबसाइटें हैं, कई सारी वेबसाइटों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही किया है। जी हाँ, ऐसा वो अपने रिपोर्ट में बताते हुए साफ साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी की टीम ने खुलासा किया था, जिस तरीके से एम्स के डॉक्टरों ने खुलासा किया था, एसआईटी की टीम के पास कई सारे वीडियो गए, कई सारे फ़ोटोज़ गए, उससे लोगों को बताने की कोशिश किया गया कि ये आत्महत्या है। लेकिन खुलासा में साफ सीधी शब्दों में कहा जाए तो ये पूरी तरीके से आत्महत्या है। जी हाँ, जिस तरीके से जब उनकी डेथ बॉडी के फ़ोटोग्राफ क्लिक किए गए किसी और एंगल से, तो उसके बाद उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये आत्महत्या है, लेकिन वही दूसरे फ्रेम से खींचा गया है तो वो भी जब सामने आया तो फैंस ने साफ सीधी शब्दों में कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सुसाइड कराया गया है। जी हाँ, लेकिन अब ये सवाल क्यों उठ रहा है, आखिरकार इतने दिनों के बावजूद भी फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ क्यों नज़र आ रहे हैं? एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर मिस्ट्री है उसके लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हैशटैग चलाना शुरू हो गया है। जी हाँ, जिस तरीके से जो ड्रग्स जो सीबीआई शांत हो गई, कहीं ना कहीं अब एनसीबी ज़्यादा हरकत में है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स कनेक्शन मामला, सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से कहानी शुरू होती है और अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कहानी है ये ड्रग्स की तरफ मुड़ जाता है और एम्स के जो डॉक्टर ने खुलासा करता है किया जाता है एम्स की डॉक्टर की तरफ से खुलासा किया जाता है वो कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट दब रही है। तो ऐसे में क्या है, एम्स के डॉक्टर ने साफ सीधी सीधे शब्दों में कहा था कि अब पूरी तरीके से मर्डर है और ये मर्डर है। जी हाँ, लेकिन इस पर सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। तो आखिरकार ये फैसला जो इतने दिनों से जो जनता जानना चाहती है कि आखिरकार ये आत्महत्या है या फिर मर्डर, इस पर अभी तक सीबीआई का कोई भी एक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सीबीआई इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगी और ये जो पर्दाफाश है, जो जिस तरीके से बॉलीवुड गैंग है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या किया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही खुलासा होगा।